खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। खाना खजाना में जो रेसिपीज होती हैं, कुछ तो वो मेरी खुद की होती हैं, कुछ मेरे घर वालों की होती हैं, कुछ घरवाली की होती हैं, और कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं जो आपने भेजी होती हैं। जैसे ये रेसिपी है जो अहमदाबाद से आई है और हमें भेजी है मिस्टर आनंद भट्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने घर में बना के देखी है, खुद खाई है, दूसरों को खिलाई है। अब आप भी देखिए ये रेसिपी, सब्जियों के साथ दाल। इसके लिए हमें चाहिए एक कप मूंग की दाल, एक गाजर, एक आलू, 15 से 20 फ्रेंच बीन्स, आधा कप कटी हुई लौकी, आधा कप कटा हुआ पम्पकिन यानी भोपला, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, चुटकी भर हींग, एक छोटा चम्मच इमली का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा और 20 ग्राम गुड़। जब दाल को सब्जियों के साथ पकाना हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सारी तैयारी कर लें। आप दाल लें, उसको चुन लें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो लें। इसमें हमने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। मूंग दाल को आप अच्छी तरह से धोकर आप उसको पानी में ही रखें और तब तक बाकी जितनी सब्जियां हैं आप उसको काट लें। आप आलू ले लें, आलू को छील कर इसको काटेंगे। ये जितनी सब्जियां हैं इसको हम बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं काटेंगे। इस तरह से जितनी सब्जियां हैं उसको हम काट लेंगे। आलू को काट कर आप पानी के अंदर रखें और इसके साथ इसमें हम डालेंगे फ्रेंच बीन्स। उनको स्ट्रिंग कर लें, यानी इस तरह से इसका ये जो धागा है उसको निकाल लें और उसके बाद फ्रेंच बीन्स को भी इसी तरह से काट लें इतने साइज में। गाजर को लेकर उसे भी हम ऐसे ही काट लेते हैं। अब गाजर लेकर इस तरह के पीसेस काट लें। इसमें आप लौकी भी डाल सकते हैं, लौकी को भी काट लें। लौकी यानी दूधी घिया काफ़ी नामों से जानी जाती है और इसके पीसेस आप थोड़े से बड़े रखें बाकी सब्जियों से। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पानी होता है तो ये पकने के बाद साइज़ में छोटी हो जाएगी। आप इसको थोड़े से बड़े पीसेस काटें और इसमें हम डालेंगे रेड पम्पकिन, भोपला, कोहरा, काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है, उसके भी आप पीसेस काट लें इस तरह से। इसके भी पीसेस हम काट लेते हैं। जब आप सारी सब्जियां काट लें तब हम दाल को पकाएंगे इन सब्जियों के साथ। आप दाल ले लें और दाल में पानी डालेंगे हम। दाल पकानी है इसलिए आप दाल में पानी डालें और इसके अंदर हम डालेंगे नमक और हल्दी। इसके बाद इसमें हम सब्जियां डालेंगे। इसमें आप आलू डालें, रेड पम्पकिन, गाजर, बीन्स और इसमें डालेंगे लौकी। और इसके बाद ये दाल और सब्जियां इकट्ठे पकनी चाहिए। आप ढक्कन लगाकर, आप चाहें तो इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, यानी प्रेशर कुकर के अंदर इसको डाल के इसको पका सकते हैं। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक इसमें जो सब्जियां डाली हैं, खासकर आलू और गाजर, वो पूरी तरह से पक जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जियां सबसे ज़्यादा टाइम लेंगी। जब तक ये दाल सब्जियों के साथ पकती है तब तक बाकी तैयारी हम कर लेते हैं। इसमें हमने इमली डालनी है तो इमली को घोल लेते हैं हम। ये जो इमली की पेस्ट है जो मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको थोड़ा पानी के अंदर घोल लें। अब हम इस दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं, ताकि जैसे ही दाल तैयार हो, हमारा तड़का तैयार होना चाहिए और तड़के को दाल में मिला दिया जाएगा। एक पैन में आप तेल गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाए तब इसके अंदर आप डालें हींग। थोड़ी सी हींग तेल में डालें और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा, कलौंजी और सौंफ।
इन सब चीजों को मिलाना है हमने तेल में ताकि ये भुन जाए। जब ये मसाले भुन जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और जब आप प्याज भून रहे हैं उस समय इसके अंदर डालें हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी मिक्स कर लें। जब तक ये प्याज भुनता है तब तक ये दाल देखते हैं। अब इस दाल में जितनी सब्जियां हमने डाली थी वो गल गई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये इमली का पेस्ट जिसमें हमने थोड़ा पानी डालकर घोला था, और इसके साथ इस दाल के अंदर डालेंगे गुड़। ये जो दाल है थोड़ी खट्टी मीठी है क्योंकि ये रेसिपी अहमदाबाद से आई है, तो शायद इसलिए जो गुड़ है उसको आप तोड़ के इसके अंदर डाल दें। अब ये प्याज भुन गया है लेकिन अभी ये तड़के में कुछ रंगत नहीं है, और इसमें रंग आएगा लाल मिर्च से। आप लाल मिर्च डालें लेकिन उसके लिए आप पहले इस ये गैस को बंद कर लें, और अब इसके बाद लाल मिर्च डालें, इसके अंदर मिक्स करें लाल मिर्च को, और अब ये तड़का इस दाल के अंदर डालें। देखिए कितना अच्छा रंग आ गया इसमें। तड़का डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें, देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया इस दाल का। जो दाल नहीं है सब्जी भी है, खट्टी मीठी है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, कैसे भी खाएं या ऐसे भी खा सकते हैं। आपको याद आएगी मिस्टर आनंद भट्ट की जिन्होंने हमें ये रेसिपी भेजी है। सब्जी वाली दाल के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग की दाल, 1 गाजर, 1 आलू, 15 से 20 फ्रेंच बीन्स, 1/2 कप कटी हुई लौकी, 1/2 कप कटा हुआ पम्पकिन यानी भोपला, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, चुटकी भर हींग, 1 छोटा चम्मच इमली का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 20 ग्राम गुड़। सबसे पहले मूंग की दाल को भिगो लें और एक बर्तन में उसमें पानी, नमक और हल्दी डालकर इसमें कटी हुई सब्जियां डालें। सारी सब्जियां डालने के बाद इस बर्तन में ढक्कन लगाकर इसको तब तक पकने दें जब तक दाल और सब्जियां दोनों ना पक जाएं। पकी हुई दाल के अंदर आप डालें गुड़ और इमली का पेस्ट। इसके तड़के के लिए 1 बर्तन में घी और उसके अंदर हींग, जीरा, कलौंजी और सौंफ का तड़का लगाएं, और इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज और इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसको पकने दें। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाए तब उसमें लाल मिर्च डालकर दाल के साथ मिक्स करके सर्व करें। सब्जी वाली दाल में हमने इमली का इस्तेमाल किया, वो इसलिए ताकि दाल के अंदर थोड़ी खटास आ जाए। हमने कोई टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन इमली का, थोड़ी सी इमली का इस्तेमाल किया दाल में खटास देने के लिए। तो मैंने सोचा इमली का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जाए उतना बढ़िया, वो इसलिए क्योंकि छोटे बड़ों सबको इमली बहुत पसंद आती है। तो देखते हैं इमली से बनी हुई एक और डिश, और ये है भुट्टा, इमली वाला भुट्टा। इसके लिए हमें चाहिए 4 भुट्टे, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच इमली का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक पिसा हुआ, 1.5 बड़ा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। भुट्टे को कई तरीके से खाया जाता है। भुट्टे को ज़्यादातर लोग भून के खाते हैं। भुनने के लिए कोयले के ऊपर उसको भुनना चाहिए, और जैसे जैसे थोड़ा वो फूटने लग जाए तब उसको खाना चाहिए, थोड़ा नींबू लगाकर, थोड़ा लाल मिर्च लगाकर, और बरसात के मौसम में बहुत बढ़िया लगता है। वैसे जो मकई के दाने मिलते हैं उससे पॉपकॉर्न भी बनता है, यानी जो मकई के दाने सूखे हुए रहते हैं उससे पॉपकॉर्न बनता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मकई यानी ये जो भुट्टा है
इसको उबाल कर एक डिश बना रहा हूँ और वो भी इमली के साथ। ये जो डिश है मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं मेरठ में जाता था छुट्टियों में अपनी नानी के घर में, तो वहां पर एक कोई रेड़ी लेके भुट्टा करके आवाज आती थी और ये भुट्टा शायद इसी तरह से बनता था, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था तो पूछ नहीं पाया। आज का दिन होता तो मैं जाकर पूछ लेता कि आपने किस तरह से बनाया, लेकिन तब मैं पूछ नहीं पाया, शायद इसी तरह से बनता था क्योंकि जो टेस्ट है वो अभी भी मुझे याद है। तो इसके लिए जो भुट्टा है उसको आप इस तरह से बीच में से काट लें और उसके बाद आप पानी ले लें, पानी में इसे हमने उबालना है और इसके साथ इसमें डालें नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसको हम मिक्स कर देते हैं और अब इस पे ढक्कन लगाकर इसको आपने आधे घंटे तक इसी तरह से उबलने देना है ताकि इसके जो दाने हैं वो पक जाएं और उबल जाएं। जब ये भुट्टा आधे घंटे तक उबल जाए आप देखेंगे इसका जो रंग है वो भी पहले से फर्क हो गया है, एक तो उबलने की वजह से और दूसरा जो इसमें हमने लाल मिर्च डाली थी उसकी वजह से। लेकिन अभी भी इसका जो रंग है वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं मेरठ में खाया करता था, क्योंकि अभी इसमें हमने इमली नहीं डाली है। इसके अंदर हम डालते हैं इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट डालने के बाद मिक्स कर देते हैं इस इमली को इसमें और इसके साथ थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च का पेस्ट, क्योंकि ये जो भुट्टा है इसमें तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो एक खूब खट्टा होना चाहिए, दूसरा खूब मिर्चें होनी चाहिए और इसमें नमक कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी लाल मिर्च पेस्ट और डाल देते हैं। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लें। ये सब मसाले डालने के बाद एक बार फिर इसको ढक कर आधे घंटे तक धीमी आंच पर इसी मसाले में इसको पकने दें। जब सारे मसाले डालकर इमली डालकर आप आधे घंटे तक इसको धीमी आंच पर पकाएंगे उसके बाद ये भुट्टा तैयार नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है जब हम भुट्टा ये खाते थे तब इसको ठंडा करके खाया जाता था, यानी जब हमें मिलता था वो ठंडा ही मिलता था। तो इसका मतलब है कि पकने के बाद इसको ठंडा करना पड़ेगा। और यदि आपको पूरा मजा लेना है तो यदि आपने इसे अभी गर्म किया ठंडा किया उसी समय नहीं खाएं, अगले दिन खाएं, क्योंकि तब तक सारे मसाले सारी इमली ना सिर्फ मकई के दाने में भुट्टे के दाने में जाएगी बल्कि उसके अंदर तक चली जाएगी। और मुझे याद है कि हम बिल्कुल मजा ले लेकर उसको चूस के खाते थे मकई के दाने खत्म होने के बावजूद। तो आप खाइए, मजा लें आज नहीं कल, ताकि इसके अंदर सारे मसाले चले जाएं और फिर मजा लें इमली के बूटे का, नहीं इमली वाले भुट्टे का। इमली वाले भुट्टे के लिए हमें चाहिए 4 भुट्टे, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच इमली का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक पिसा हुआ, 1.5 बड़ा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। सबसे पहले एक कढ़ाई या किसी बर्तन में पानी लेकर इसके अंदर भुट्टा डालें और इसके अंदर मिक्स करें नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर इस बर्तन के ऊपर ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से पका लें। इस भुट्टे को अच्छी तरह से पकाने के बाद इसके अंदर डालें इमली का पेस्ट या पल्प और इसके बाद इसके अंदर डालें अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बार फिर ढक्कन लगाकर इसे खूब देर तक पकाएं। इतने बढ़िया इतने तीखे इमली वाले भुट्टे खाने के बाद अब हम मजा लेते हैं एक मटन की डिश का, और वो भी अंडे वाला मटन जिसमें पालक पड़ा हुआ है ना यूनिक। तो देखते हैं अंडे वाला पालक गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो बोनलेस मटन, 2 अंडे, 1 गड्ढी पालक, 1 कप दही,
दो कप प्याज स्लाइस किया हुआ, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, एक बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, नमक स्वादानुसार, चार बड़े चम्मच तेल और होल गरम मसाला। अंडे वाले पालक गोश्त के लिए आप बोनलेस मटन ले लें, आप चाहें तो हड्डी वाला मटन भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस मटन इसमें ज़्यादा बढ़िया लगता है। सबसे पहले आप जो बोनलेस मटन है उसको हम मैरिनेट करेंगे। आप इसके अंदर डालें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और दही। आप दही को कुछ देर उसमें से पानी निकाल दें और दही इसमें डालें। इसके साथ इसमें डालें नमक, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इन सब चीजों को इकट्ठा मिक्स कर लें आप और करीब एक घंटे तक इसी मसाले में इस मटन को रहने दें आप। अब तैयारी शुरू करते हैं मटन पकाने की। उसके लिए आप तेल ले लें, जब तेल गरम हो जाए तब इसके अंदर हम होल गरम मसाला डालेंगे। गरम तेल में होल गरम मसाला डालने के बाद उसको आप 10 से 15 सेकंड तक इसी तरह से रहने दें ताकि गरम मसाले का फ्लेवर तेल के अंदर आ जाए और थोड़ा वो गरम मसाला भुन जाए। अब इसके बाद आप स्लाइस किया हुआ प्याज इसके अंदर डालें। प्याज भुनने में काफ़ी समय लगता है, तब तक हम पालक की तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन में थोड़ा सा तेल ले लें। तेल जब गर्म हो जाए तब ये जो पालक के पत्ते हैं इसको हम पकाएंगे। इसमें हमने थोड़ा नमक डालना है ताकि इसका जो पानी है वो छूट जाए और इसे हमें थोड़ा भूनना है। नमक डाल लें और इन पालक के पत्तों को हमने पकाना है। जब प्याज हल्का ब्राउन होने लग जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ मटन। ये मटन इसके अंदर डालकर इसको अब हम भूनेंगे। इस मटन को हमने प्याज के साथ भूनना है और ध्यान रखें कि आप इसको चलाते रहें, ये नीचे नहीं लगना चाहिए। अब इस मटन के अंदर हम मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च की पेस्ट। इन सब चीजों को डालने के बाद इस मसाले को भी थोड़ा भूनना है हमने। अब जब ये पालक काफी रिड्यूस हो गया है अब इसके अंदर हम डालेंगे अंडा। आप इसकी आंच धीमे कर दें और ये जो अंडा है उसको इसके अंदर डालें। अंडे को पालक के साथ पकाएं। अब आप इस पालक और अंडे को बंद कर दें और ये जो मटन है इसमें भी पानी डालकर इसे हम कवर कर देते हैं। अब इसे बंद करके पकने दें। आप दो सीटी कुकर में दें ताकि जो मटन है वो बहुत ज्यादा गलना नहीं चाहिए। जब इसमें दो सीटी आ जाएंगी उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से रखें और उसके बाद हम खोलेंगे इस कुकर को। अब ये जो मटन है वो पूरा गल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पालक और अंडा जिसे हमने पकाया है। आप देखेंगे हमने इतना सारा पालक लिया था लेकिन पकने के बाद कितना कम रह गया है। अब इसके साथ इसको मिक्स कर लें। पालक और अंडा डालने के बाद इसको धीमी आंच पर आप 5 मिनट तक और पकने दें ताकि ये सब आपस में मिल जाए और तैयार हो जाएगा अंडे वाला पालक गोश्त। पालक वाले गोश्त के लिए हमें चाहिए 1/2 किलो बोनलेस मटन, 2 अंडे, 1 गड्ढी पालक, 1 कप दही, 2 कप प्याज स्लाइस किया हुआ, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्च पेस्ट,
एक बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, एक बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, नमक स्वादानुसार, चार बड़े चम्मच तेल और होल गरम मसाला। सबसे पहले बोनलेस मटन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, इसके अंदर डालें दही, नमक, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स होने दें। अब इसके बाद एक बर्तन में घी या तेल लेकर उसके अंदर होल गरम मसाला पाउडर और स्लाइस प्याज ले लें। अब इसके अंदर डालें मैरिनेटेड मटन और इसको अच्छी तरह से भून लें। अब इसके अंदर डालें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च का पेस्ट। इन सब चीजों को भून लें और अब इसके अंदर डालें नमक। इसको आप प्रेशर कुकर के अंदर भी पका सकते हैं। इसको पकाने के लिए इसके अंदर पानी डालें और प्रेशर कुकर में ढक्कन लगाकर इसको पकने दें। इसके बाद एक बर्तन में तेल लेकर उसके अंदर कटी हुई पालक और नमक डालकर उसे कुछ देर तक पकाएं। अब इसके अंदर फेंटा हुआ अंडा डालकर इसको हल्के हाथ से मिला लें। जब मटन पक जाए तब इसके अंदर पका हुआ पालक जिसमें अंडा मिलाया गया था इस मटन के अंदर मिक्स कर लें और इसको थोड़ी देर तक पकाकर गर्मा गर्म सर्व करें।